हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रेडिट ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको ये एग्जांपल सिखाने जा रहा हूँ जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये 3D का बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल है दोस्तों, तो आज हम ये ड्रा करना सीखेंगे। एंड साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सीखते हैं हम ये एग्जांपल कैसे ड्रा करेंगे। इसको ड्रा करना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका 2D पार्ट ड्रा कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हम सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये व्यूपोर्ट एक्टिव कर लेंगे और यहाँ पर L एंटर करेंगे, लाइन कमांड लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होगी एक 38 की लाइन है। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दे देता हूँ 38 एंटर करता हूँ। ओके, उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर फ्रेंड्स ये 15 दे रखी है डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर मैं 15 एंटर कर लेता हूँ नीचे की तरफ कर्सर की डायरेक्शन करके। उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, 10। ओके, तो यहाँ पर अंदर की तरफ ये 10 एंटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे ये दे रखा है 30, तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट 30। उसके बाद यहाँ पर ये सेम 10 है और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 15। उसके बाद लेफ्ट की तरफ यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा 38 और फिर हम चाहे एक लाइन ऊपर भी मिला देंगे। ओके, फिर राइट क्लिक एंटर, तो हमारा इस ड्राइंग का हाफ पार्ट ड्रा हो गया। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर दो सर्कल हैं, एक तो ये कंप्लीट सर्कल है और एक यहाँ पर ये हाफ सर्कल है। तो इनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्कल कमांड लेते हैं C एंटर। इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट दे देते हैं सर्कल का और यहाँ पर एंटर करते हैं 15। उसके बाद दोबारा सर्कल कमांड लेते हैं या स्पेस बार भी दबा सकते हैं दोबारा लेना तो। और उसके बाद यहाँ पर ये डाया दे रखा है 5 में, ये दे रखा 60, तो आप चाहे D एंटर 60 एंटर कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड लेंगे दोस्तों, TR एंटर। तो जैसे मुझे यहाँ पर ये हाफ सर्कल करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर इस लाइन को, इसको ओके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस हाफ सर्कल को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर इस लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारी शेप यहाँ पर ये आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, हम टॉप व्यू की जगह साउथ वेस्ट व्यू ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जॉइन कमांड ले लेते हैं, जॉइन एंटर, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और इनको एक साथ जॉइन कर लेते हैं राइट क्लिक, तो ये हमारा एक जॉइंट बाउंड्री होगी। ओके, अब नेक्स्ट जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो मैं एक्सट्रूड कमांड के थ्रू भी कर सकता हूँ, एक्सट्रूड या प्रेस पुल कमांड के थ्रू भी। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों मेथड सिखाता हूँ कि दोनों मेथड से कैसे ड्रा कर सकते हैं। एक मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ राइट क्लिक, एक यहाँ पर ओके राइट क्लिक एंटर। तो सबसे पहले ईजीएस्ट मेथड पे चलते हैं जो कि हमारा प्रेस पुल है। हम यहाँ पर प्रेस पुल कमांड लेंगे, फिर हमसे सेलेक्ट बाउंडेड एरिया पूछेगा, तो हम यहाँ पर ये एरिया ले लेते हैं जिसमें हमारा सर्कल भी हाईलाइट हो जाए और ये बाउंड्री भी हाईलाइट हो जाए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद ये इसकी थिकनेस दे रखी है 20, जो कि यहाँ पर दे रखी है एक्सट्रूड हाइट। ओके, तो मैं यहाँ पर ये 20 एंटर कर देता हूँ, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ड्रा हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड है दोस्तों एक्सट्रूड कमांड के थ्रू, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ दोनों को राइट क्लिक एंटर और ऊपर की तरफ यहाँ पर एक्सट्रूड हाइट डाल देता हूँ 20 एंटर। तो अभी आप देख रहे होगे इन दोनों में डिफरेंस, प्रेस पुल ने तो बीच में होल क्रिएट किया है मगर यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड ने बीच में ये सर्कल भी एक्सट्रूड किया है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। अभी जैसे मुझे यहाँ पर होल चाहिए तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट का, जो कमांड मैंने आपको लास्ट वीडियोज में सिखाई थी, यूनियन सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट की। ओके, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट हम
वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमें रिमूव करना है। तो जैसे मुझे ये जो बीच में सर्कल एक्सट्रूड किया था मुझे ये रिमूव करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम ये ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।